दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज निकल के आया है कि कुछ देर पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि फिर से 119 चाइनीज ऐप को बैन किया गया है, जिसमें 118 दूसरा ऐप्स है और उसके अंदर अभी के जो यूथ है उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम जहां पे वो सारा दिन लगे रहते थे, पबजी, जो प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका बहुत ही एक बेहतरीन अपडेट 8 सितंबर को आने वाला था। उसका एक नया मैप आने वाला था, एरेंगल 2.0। इंडिया के जो पबजी प्लेयर्स है वो एरेंगल 2.0 और नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इस ऐप को इसे ब्लॉक किया गया है अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सिर्फ यही नहीं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी सजेस्ट किया है ये सारे ऐप्स बैन करने के लिए, जिसके अंदर पबजी भी पड़ता है। बाकी जो 118 ऐप है, जैसे ही उसका नाम मुझे मिलता है मैं डिस्क्रिप्शन में उसे अपडेट कर दूंगा। एट प्रेजेंट जब वीडियो मैं बना रहा हूं 6 बजे से कुछ देर पहले, अभी तक लेकिन प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड यानी पबजी आप ओपन कर सकते हो, खेल भी सकते हो। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो नया डिसीजन लिया गया है ये कब से इफेक्टिव होगा और कब से जो लोग पबजी खेलते हैं उनका फेवरेट एकलौता सबसे चहिता जो गेम है वो बंद हो जाएगा। आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या खुश हो ये बंद हो गया, या फिर आप दुखी हो, या फिर आपको लगता है कि ये बैन होने की वजह से यूथ ऐसे गेम के पीछे जो टाइम दे रहा था वो कुछ प्रोडक्टिव या फिर क्रिएटिव चीज करने के लिए यूज करेगा, जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। दोस्तों ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए उत्सव रॉक्स चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को बजा के ऑल नोटिफिकेशन करके रखिएगा, और अगर आप पबजी खेलते हो तो अपने सारे पबजी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा।